समाज में टूटते संयुक्त परिवार और बिखरते रिश्तों के ताने बाने पर लिखा गया उपन्यास आंसुओं के बिना जिंदगी आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जैसा कि उपन्यास के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये इंसान को आंसुओं से खुद को बाहर निकलने की सीख दे रहा है। हाल ही में इस उपन्यास को प्रभात खबर जैसे नामी गिरामी अखबार ने अपने पुस्तक चर्चा जैसे कॉलम में जगह देकर नॉवेल का बारीकी से अध्ययन किया है। इस कॉलम को लिखने वाली शफक महजबीन ने किताब की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उपन्यास में इंसानी रिश्तों के उस सच को उजागर कर रहा है जो आज के समाज की सच्चाई है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि किताब में इस बात को बखूबी तरीके से दर्शाया गया है कि शादी के बाद किस तरह से संयुक्त परिवार बिखर जाते हैं। शफक महजबीन ने उपन्यास की कहानी के मर्म को समझाते हुए लिखा है कि समर एक अच्छे परिवार का लड़का है और अपने माँ बाप से पूछे बिना वो कोई भी काम नहीं करता, मगर जब उसकी शादी ममता से हो जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि वो इसके बाद अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। लेकिन मुश्किल यहाँ भी खत्म नहीं होती है क्योंकि ममता इसके बाद भी समर को परेशान करती रहती है। समर इन सब बातों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करा देता है और घर से रात के अंधेरे में चला जाता है। इसके बाद पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी मदद से काठी समर की तरह होती है लेकिन चेहरे से शिनाख्त नहीं हो पाती है, तो उसी बॉडी को समर का नाम देकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद जब ममता का बेटा जवान होता है तो वो भी अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं और अपनी माँ यानी कि ममता को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद ममता को आंसुओं के बिना जिंदगी किताब मिलती है जिसे पढ़कर उसे लगता है कि इस तरह की सोच तो सिर्फ और सिर्फ समर की ही हो सकती है। अब क्या वाकई ये किताब समर ने लिखी है और क्या वो जिंदा है, ये जानने के लिए आपको इस मजेदार और बेहद संजीदा उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।